मार्च होगा, सड़क मार्च होगा, नहीं सरकार अगर वैकेंसी निकालेगी तो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल लाइव नेशन 7 को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार कर्मचारी चयन आयोग, जिसे मैंने कई बार आठवां अजूबा भी कहा है, इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ 8-8 साल एक वैकेंसी को लटकाया जाता है और प्रक्रियाओं में इस तरह उलझाया जाता है कि मामला उच्च न्यायालय में पहुँच जाता है और उसके बाद अभ्यर्थी टकटकी लगाकर सिर्फ आयोग को देखते हैं, उसके बाहर धरना देते हैं और सुनवाई के नाम पर सिर्फ तारीख मिलती है। अब देखना है कि अगली तारीख उसके लिए 6 अप्रैल तय की गई है, क्या होता है। मगर अभी हम बात कर रहे हैं CGL 3 यानी ग्रेजुएट लेवल की जो बहाली है, उसके कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल के लिए वैकेंसी की बात कई बार अखबारों में छपता है, कई बार खबर मीडिया में आती है कि वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आएगी। मगर यही वो सवाल है जो हमेशा उठते हैं कि आखिर कब आएगी। इस मुद्दे पर हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं छात्र नेता दिलीप कुमार। दिलीप, लगातार ये खबर उठती है कि CGL 3 की वैकेंसी अब आने वाली, अगले महीने आने वाली है, क्या लगता है कब तक आएगी? देखिए, ये तो आपने पहले ही कह दिया कि 8वां अजूबा BSSC, और ये 2018 से मैं सुनता आ रहा हूँ, जुलाई से, 2018 के जुलाई से ये प्रमुख अखबारों में ये खबर छपती आई है कि अगले महीने CGL 3 यानी BSSC CGL 3 सचिवालय सहायक की वैकेंसी आएगी। और ये सुन सुन के मतलब इतना दिमाग पगला गया है कि मन करता है जाके BSSC के सचिवाध्यक्ष को जो है सो कर दे, मारे दो चार लपड़ थप्पड़ कर दे। अब इतना गुस्सा आता है कि मतलब लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ ही लोग खिलवाड़ करता है। इसके नाम पे कितना कोचिंग का बैच चला गया, मैंने बैच स्टार्ट हो गया, बैच ख़त्म हो गया, लेकिन कोर्स पूरा कई बार हो गया लेकिन आज तक ये वैकेंसी नहीं आई। मेरे पास वो सारा पेपर कटिंग है जुलाई 2018 से लेकर अभी तक, जिसमें ये कहा गया, वो भी एक दो पेपर की बात नहीं है, ये अलग अलग अखबारों में आई है कि अगले महीना वैकेंसी आ रही है। पिछले साल भी मैं बता रहा हूँ 2021 में, 2020 में भी, 2020 में जनवरी में खबर छपी, 6 जनवरी को ये खबर छपी थी कि जनवरी अंत तक, माने जनवरी 2020 के अंत तक सचिवालय सहायक की वैकेंसी आएगी। फिर फरवरी में खबर छपी कि फरवरी अंत तक वैकेंसी आएगी। फिर जुलाई में खबर छपी कि 2 महीना बाद आएगी। फिर उसी तरह जनवरी 2021 में खबर छपी कि जनवरी अंत तक वैकेंसी आएगी। फरवरी में छपती है कि फरवरी अंत तक, यानी फरवरी 2021 के अंत तक। फिर कहा गया मई में, फिर कहा गया जून में, फिर कहा गया जुलाई में, फिर कहा गया जुलाई प्रथम सप्ताह में, क्या कहा गया कि 3 दिन के बाद, माने 3 दिन के भीतर वैकेंसी आएगी, आज तक वैकेंसी नहीं है। फिर 2022 में जनवरी में कहा गया कि जनवरी अंत तक वैकेंसी आएगी, फरवरी में कहा गया फरवरी अंत तक, फिर कहा गया कि मार्च तक वैकेंसी आएगी, मार्च तो बीत रहा है तो अभी तक तो वैकेंसी नहीं आई है। फिर अब कहा जा रहा है अगले महीने, फिर कल ही एक अखबार में छपा है। तो ये अगले महीने पिछले 4 सालों से चल रहा है लेकिन अभी तक ये वैकेंसी नहीं आई है। लेकिन सरकार को इस तरह से नौटंकी करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब जो बिहार के छात्र छात्राएं हैं वो अब इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे, दिग्भ्रमित करना बंद करें और इस वैकेंसी को अब निकालना पड़ेगा। हम लोग अंतिम रूप से चेतावनी दे रहे हैं और अगले सप्ताह 4 से 7 अप्रैल के बीच हम लोग पटना में आंदोलन भी करने वाले हैं, जो कि पहले से हम लोग का फिक्स है, मैंने अभी अनाउंसमेंट नहीं किए हैं लेकिन हम लोग पहले से ही प्लानिंग कर चुके हैं कि 4 से 7 अप्रैल के बीच हम लोग आंदोलन करेंगे। किस तरह का आंदोलन, मतलब गर्दनी बाग में या? नहीं, सड़क मार्च होगा पटना के मुसल्लापुर हाट से गांधी मैदान तक सड़क मार्च होगा। और ये शिक्षा सुधार एवं रोजगार अभियान जो हमने 2 मार्च को नालंदा में शुरुआत किया था और 4 मार्च को बिहार शरीफ के श्रम कल्याण मैदान में प्रदर्शन हुआ था, आंदोलन हुआ था, उसके बाद फिर नवादा में, फिर गया में हुआ, तो उसके बाद हम लोग पटना में कर रहे हैं। तो नहीं सरकार अगर वैकेंसी निकालेगी तो पटना में हम लोग आंदोलन करेंगे, इसके बाद अलग अलग जिला में भी होगा और फिर सभी जिला के लोग फिर पटना में आके गांधी मैदान में बैठ जाएंगे। ये हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि आज कह रहे हैं, ये हमने 2 मार्च को ही अनाउंसमेंट कर दिया था कि हर जिला में जाके हम लोग हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स का सिग्नेचर कराएंगे और गांधी मैदान में हम लोग धरना पर बैठेंगे। और उसमें पहला मुद्दा हमारा, देख लीजिएगा अभी भी, ऐसा नहीं कि हम आज ये बोल रहे हैं, मेरा उस समय का हैंडबिल है, उसके बाद हस्ताक्षर अभियान जो हमने 3 जिला में चलाया उसमें ऊपर में ही लिखा हुआ है सचिवालय सहायक यानी CGL 3 की वैकेंसी निकालने और द्वितीय इंटर स्तरीय की बहाली निकालने, प्रथम मांग हम लोग का है और प्रथम इंटर स्तरीय बहाली जल्द पूरी हो, ये तीनों मुद्दा प्रथम मांग है, ये रहेगा आपका मुद्दा निश्चित अभी भी रहेगा। और उसके बाद फिर पारदर्शिता वाला मुद्दा है और भी मुद्दा है। तो अब जो है सरकार ये चाहेगी कि हम बार बार इस तरह का अखबारों में छाप दे कि अगले महीना वैकेंसी आ रही है और छात्र इसी तरह सहते रहे,
तो अब हम लोग सहने वाले नहीं है, पानी सर से ऊपर जा चुका है, अब बर्दाश्त नहीं होगा। और पटना में बहुत जल्द मैंने कहावती भी दिया कि 4 से 7 अप्रैल के बीच अभी हम लोग निश्चित तिथि की घोषणा करेंगे, आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं, उसके बाद उस दिन हम लोग सड़क मार्च करेंगे पटना में, और हस्ताक्षर अभियान पूरे पटना में 1 सप्ताह तक चलेगा, और उसके बाद फिर अलग अलग जिला में भी चलेगा। लेकिन सरकार को अब ये वैकेंसी निकालनी पड़ेगा, बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होगा। प्रथम इंटर स्तरीय बहाली जल्द पूरा करना होगा, और CGL 3 की वैकेंसी निकालनी होगी, द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली भी जल्द निकालनी होगी, क्योंकि अब कितना बर्दाश्त किया जाए, कितना बर्दाश्त किया जाए। 2018 से आप कह रहे कि अगला महीना आ रहा है, अगला महीना आ रहा है, तो अब किस बात का भरोसा करें। बजट में आप सुशील मोदी जी जब वित्त मंत्री थे तो हर एक बजट में इसकी चर्चा करते थे कि CGL 3 की वैकेंसी हम निकाल रहे हैं इस साल, इस महीना निकाल रहे हैं, आज तक वैकेंसी नहीं आई, तो किस पे भरोसा किया जाए। जब तक विज्ञापन नहीं निकल जाता है तब तक हम लोगों को किसी पे भरोसा नहीं है। क्योंकि यहाँ जब बजट में उप मुख्यमंत्री बोलते हैं, वित्त मंत्री बोलते हैं कि वैकेंसी निकाल रहे हैं, दिसंबर तक पूरा भी हो जाएगा, और 4 साल गुजर गया और हर एक साल वो ऐसा बोलते थे। अब तो वित्त मंत्री या उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी रहे भी नहीं, लेकिन जब तक वो थे हर बजट में इसकी घोषणा करते थे, लेकिन आज तक वैकेंसी नहीं आई, तो हम कैसे मान लें। जब तक विज्ञापन नहीं आता है तब तक हम लोग मानने वाले नहीं हैं। BSS जब आपने बात की कि दूसरी इंटर स्तरीय भी बहाली निकलनी चाहिए, तो ऐसे में फिर एक सवाल उठता है कि लड़कों की ये भी मांग है कि सेकेंड लिस्ट BSSC का क्यों नहीं जारी होता है। सेकेंड लिस्ट के लिए भी हम लोग मांग करेंगे, उसके लिए जो भी होगा आंदोलन करना पड़े, आंदोलन भी करेंगे। 14,410 के आसपास, 13,120 नहीं नहीं जो काउंसलिंग में बुलाए गए थे 14,410 अभ्यर्थी थे, 13,120 सीट है, और 15% के आसपास माना जा रहा है कि एबसेंट हुए हैं अभ्यर्थी। फिर दरोगा 2446 में भी कई लड़के उसमें से चले गए हैं, तो सीट तो खाली रहेगी ऐसी संभावना पूरी है। वो तो अभी ही खाली है, 12,100 या 150 अपियर हुए हैं काउंसलिंग में, और 13,120 सीट है, तो अभी भी दिख रहा है कि 1,000 सीट खाली जा रहा है, अभी दिख रहा है। और अभी भी जो काउंसलिंग करवा चुके हैं उसमें से बहुत सारे लोग हो सकता है ज्वाइन न करें, या फिर जिनका डॉक्यूमेंट्स किसी का फर्जी, दरोगा ही में हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो दरोगा में चले गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में 2,000-3,000 सीट खाली रह सकता है, तो आप सोचिए 7.5 साल पहले की वैकेंसी है और सीट खाली एक भी नहीं रहना चाहिए, और यहाँ 2,000-3,000 सीट खाली रह जाएगा, और युवा बेरोजगार घूमेगा रोड पर। मतलब इतना तो कर ही सकता है आयोग के रिजल्ट के साथ साथ एक वेटिंग लिस्ट जारी कर देता कि ये वेटिंग लिस्ट है। इसीलिए हम लोगों ने मांग किया था कि दोगुना जो है 100 सीट से दोगुना ज़्यादा लोगों को काउंसलिंग में बुलाइए, इसीलिए हम लोगों ने मांग किया था। लेकिन ये लोग जो दादागिरी कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है ना, तो जिस दिन बिहार का युवा उतर जाएगा, अपनी औकात पर आ जाएगा ना बिहार का युवा, तो इन लोग को समझ में आ जाएगा। अभी जो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं ना, तो दिलीप कुमार पर FIR करके लोग समझ रहा है कि दिलीप कुमार को हम डरा रहे हैं, तो दिलीप कुमार डरता नहीं है। और जिस दिन बिहार का स्टूडेंट्स उतर जाएगा ना अपनी औकात पे, तो ये लोग को छुपने का जगह नहीं मिलेगा। हम बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि संभल जाए ये लोग। तो इस तरह से दिलीप कुमार ने ये बात साफ कर दी है कि आंदोलन फिर वो करने वाले हैं, और अप्रैल के पहले हफ्ते में, जैसा कि तारीख आपने क्या बताया, 4 से 7 अप्रैल के बीच में कोई भी तारीख होगी। अब देखना है कि बहाली का आश्वासन देती रही है सरकार, खासकर इस बार 2020 का जो विधानसभा चुनाव था उसका मेन मुद्दा पहली बार रोज़गार बना, 19 लाख रोज़गार देने का वादा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घटक दल भाजपा ने, यानी NDA की घटक दल भाजपा ने 19 लाख रोज़गार देने का वादा किया। सरकार उनके गठबंधन में है, उम्मीद युवाओं को अभी भी सरकार से है, मगर क्या सरकार सिर्फ इसी तरह उम्मीदें जताएगी, उम्मीदें दिखाएगी, और बहाली आखिर निकालेगी तो कब। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।